हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फ्रेंड्स आज के टॉपिक में मैंने स्टमक को कवर किया है स्टमक के साथ मैंने उसके डायग्राम्स भी दिए हैं और हर चीज़ को मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन किया है ये बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है स्टमक की आई होप ही आप सबको ईजिली समझ आ जाएगा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टमक सो स्टमक इज़ अ सैक लाइक जे शेप्ड ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सो स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है सो so, इसकी जो शेप है वो जे शेप है सो अल्फ़ाबेट जे की तरह ये लगता है और सैक लाइक -like है ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक सो ये एलिमेंट्री ट्रैक का ही ऑर्गन है सो so, हमारी गट का ऑर्गन है ये बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन सो ये है ईसोफेगस और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है सो so, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये प्रजेंट है लोकेशन अभी एक्जैक्टली exactly कहाँ पर लोकेटेड है सिटेट इन द एपिगेस्ट्रिक अम्बलाइकल एंड लेफ्ट हाइपरकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एबडोमिनल कैविटी सो इस डाइग्राम में देखिए ये है एपिगैस्ट्रिक रीजन ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और ये मिडल में है अम्ब्लाइकल रीजन सो ये जो स्टमक है ये एपिगेस्ट्रिक रीजन को भी कवर करता है अम्ब्लाइकल रीजन को भी कवर करता है एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को भी ये कवर कर रहा है सो दिस ऑल ये जो होल कैविटी है ये है एब्डोमिनल कैविटी इसमें इन इन रीजनस को स्टमक कवर कर रहा है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा है स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू टू थ्री रीजन्स थ्री रीजन्स में स्टमक डिवाइडेड है फंडस बॉडी एंड पाइलोरस में अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं फंडस क्या होता है फंडस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक सो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये है स्टमक का अपर पार्ट इसको बोलते हैं फंडस बॉडी मिडिल एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक ये है बॉडी सो so, ये मिडिल में है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का स्टमक uh, का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी देन है पाइलोरस पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक विच इज कंटिन्यूस विद द डिओडेनम एट इट्स डिस्टल एंड सो ये है पाइलोरस सो पाइलोरस जो है लोअर पार्ट है स्टमक का और एंड पार्ट है स्टमक का पाइलोरस के बाद ये डिओडेनम मीन्स फर्स्ट पार्ट है जो स्मॉल इंटस्टेंट का वहाँ पर खुलता है सो so, इसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम जो कि फर्स्ट पार्ट है पाइलोरस का so this is pylorus uh, at its distal end pyloric sphincter guarding the opening between the stomach and the duodenum so यहाँ पर जहाँ पर ये pylorus है यहाँ पर sphincter होता है एक pyloric sphincter जो sphincter is like a door एक दरवाजे की तरह होता है जो कि opening और closing को regulate करता है सो so, uh, जब फूड को आगे जाना होता है मीन्स जब पार्टली डाइजेस्टेड फ़ूड रेडी हो जाता है आगे जाने के लिए सो so ये स्विंक्चर uh, ओपन हो जाता है अदरवाइज पायलोरिक्सिंक्चर क्लोज रहता है सो दिस वॉज द थ्री रीजन्स ऑफ स्टमक नेक्स्ट है स्टमक हैज टू करवेचर्स अब दो करवेचर्स होते हैं स्टमक के लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं ये है लेसर कर्वेचर जो कि राइट साइड पर है स्टमक की और ये है ग्रेटर कर्वेचर जो कि लेफ़्ट साइड पर है सो लेसर कर्वेचर लेसर कर्वेचर इट इज शॉर्ट शॉर्ट है ये इसलिए इसको लेसर कर्वेचर बोला है कनकेव कर्व ऑन द राइट अब ये कनकेव कर्व है और ये राइट right साइड में है स्टमक की राइट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस टू द ओपनिंग इनटू द डिओडेनम सो so, ये ऊपर से फूड पाइप आ रही है ईसोफेगस जो कि स्टमक में आकर ओपन होती है सो so, ये ईसोफेगस से लेकर डिओडेनम तक लेसर कर्वेचर है राइट साइड में है और कनकेव कर्व है ये सो डिओडेनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है एंड लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक और लेसर कर्वेचर पोस्टीरियर सरफेस पर होता है स्टमक के सो दिस वॉज लेसर कर्वेचर नेक्स्ट है ग्रेटर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर इज़ फोर टू फाइव टाइम्स एज लॉन्ग एज द लेसर कर्वेचर सो ये चार से पाँच गुना बड़ा होता है लेसर कर्वेचर से इसलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं एंड ये कन्वेक्स कर्व होती है लेसर कर्वेचर कन्केव है ये कन्वेक्स कर्व है ऑन द लेफ्ट और ये लेफ्ट में है और लेसर कर्वेचर राइट में है फ्राम द ओपनिंग ऑफ द ईसो फेगस टू द ओपनिंग इन टू द डिओडेनम ये भी सेम है ईसो फेगस से लेकर डिओडेनम की ओपनिंग तक ये होता है सो so, ये दो करवेचर है स्टमक के नेक्स्ट है स्पिंक्चर ऑफ द स्टमक अब स्टमक में दो स्विंक्चर होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक है कार्डिक स्पिंक्चर और नेक्स्ट है पाइलोरिक्स फिंक्चर अब कार्डिक्स पिंक्चर क्या होता है द स्टमक इज कंटिन्यूस विद ईसोफेगस एट कार्डिक स्पिंचर जो ऊपर से फूड पाइप मतलब ईसोफेगस आ रहा है जो कि स्टमक में ओपन होता है so, सो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो कर स्विंक्चर है उसको बोलते हैं कार्डिक स्विंक्चर और इसका दूसरा नाम है लोअर ईसोफेजियल स्विंक्चर भी इसको बोलते हैं सो so, ये कार्डिक स्विंक्चर है ये ईसोफेगस स्टमक आ, के बीच में होता है और यहाँ की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है जब फूड ऊपर से आता है ईसोफेगस से तो वो स्टमक में तभी जाता है जब ये जो कार्डियस फिंचर है ये ओपन हो जाता है जब फूड ऊपर से आता है इसोफेगा से नेक्स्ट है पाइलोरिक प्चर द स्टमक इज कंटिन्यूस विद द डिओडिनम एट पायलोरिक्स स्पिंचर सो ये है नीचे पाइलोरिक फ्विंचर क्योंकि स्टमक का जो लोअर रीजन है लोअर पार्ट है उसको बोलते हैं पाइलोरस। इसी से इसका नाम पड़ा है पायलोरिक्स फिंचर तो पाइलोरिक स्पिंचर किसके बीच में होता है स्टमक के पाइलोरस रीजन में और डिओडेनम के बीच में होता है पाइलोरिक स्पिंचर। वैन द स्टमक इज़ इनएक्टिव द पाइलोरिक पिंचर इज रिलैक्स एंड ओपन एंड वैन द स्टमक कंटेन फूड द स्पिंचर इज क्लोज जब स्टमक में फूड नहीं होता जब स्टमक इनएक्टिव होता है मीन्स इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा होता फूड नहीं होता तब पाइलोरिक फिंक्चर क्लोज रहता है और सॉरी uh, तब पाइलोरिक पिंचर ओपन रहता है और वेन द स्टमक कंटेन फूड द स्विंचर इज क्लोज जब स्टमक में फ्लू फूड uh, होता है प्रेजेंट तब स्टमक में प्रोसेसिस चल रहे होते हैं डाइजेशन हो रहा होता है तब ये स्पिंचर क्लोज रहता है ताकि फूड आगे ना जा पाए जब तक कि फ़ूड रेडी नहीं होता आगे जाने के लिए तब तक ये स्पिंचर क्लोज रहता है सो so, ये थे कार्डिक फिंचर और पाइलोरिक फिंचर आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे नेक्स्ट है गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे क्या होते हैं गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगी सो गैस्ट्रिक फोल्ड्स और रूगे होते हैं कोयल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द लेयर्स ऑफ स्टमक दे प्रोवाइड इलेस्टिसिटी बाय अलोइंग द स्टमक टू एक्सपेंड व्हेन अ बोलस एंटर्स इट ये टिश्यू से ही बने होते हैं ये रूगे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं स्ट्रिप्स टाइप सो इनको बोलते हैं रूगे या फिर गैस्ट्रिक फोल्ड्स बोलते हैं ये टिश्यू से ही बनते होते हैं टिश्यू के कोल्ड सेक्शंस हैं ये और ये स्टमक की लेयर्स में होते हैं इनसे क्या होता है इसका ये बेनिफिट होता है कि व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक जब स्टमक uh, में फूड आता है तो ये स्टमक को एक्सपेंशन प्रोवाइड करते हैं एक्सपेंशन मींस जो सरफेस एरिया है स्टमक का वो इंक्रीज हो जाता है और फूड uh, को डाइजेस्ट होने के लिए अच्छा सरफेस एरिया मिल जाता है मतलब Uh, जो स्टमक है वो ये इलास्टिक होते हैं सो so स्टमक जो है एक्सपेंड हो जाता है मींस बड़ा हो जाता है जब फूड इसके अंदर एंटर होता है तो फूड को इनफ स्पेस मिल जाता है डाइजेशन के लिए एंड जब फूड दोबारा से डाइजेस्ट हो जाता है आगे चल जाता है देन दोबारा से ये अपने पोजिशन पर मीन्स र्यूगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जब फूड एंटर होता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं सो so ये होता है र्यूगे नेक्स्ट लेयर्स और वॉल्स ऑफ द स्टमक अब स्टमक की कितनी लेयर्स हैं और uh, कितनी वॉल्स हैं सो फर्स्ट है मसल so लेयर ये है मसल लेयर आप देख रहे हैं डायग्राम में मसल लेयर जहाँ पर कर्सर जा रहा है इट कंसिस्ट थ्री लेयर्स ऑफ स्मूद मसल फाइबर्स सो इसमें थ्री लेयर्स ऑफ स्मूद मसल फाइबर होते हैं आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडल फाइबर्स आउटर लेयर जो है लॉन्गीट्यूडल फाइबर्स की है मिडल लेयर ऑफ सर्कुलर फाइबर्स जो मिडल लेयर है वो सर्कुलर फाइबर्स की है इनर लेयर ऑफ ओब्लिक फाइबर और इनर लेयर जो है वो ओब्लिक फाइबर्स की होती है सो आउटर लॉन्गिट्यूडल मिडल सर्कुलर एंड इनर ओब्लिक फाइबर ये है मसल लेयर जो कि मसल्स हैं स्टमक की मसल टिश्यू देन है म्यूकोजा सेकेंड इज म्यूकोजा दिस लेयर इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक एंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो so, ये है म्यूकोजा और ये इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की और ये वाली लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स एच सी एल सिक्रिएट करती है स्टमक में एच सी एल प्रोड्यूज़ होता है सो so वो म्यूकोजा लेयर प्रोड्यूस करती है ऑलसो न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट बिलो द सर्फेस विथ सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस इन टू द स्टमक और बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रिएट करती हैं और गैस्ट्रिक जूस Uh, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है एच और गैस्ट्रिक जूस के फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट है साम्यूकोजा सब्यूकोजा ये वाली लेयर है मसल लेयर और म्यूकोजा के बीच में सब का मतलब है नीचे म्यूकोजा uh, के नीचे इट मीन्स इसका नाम है साम्यूकोसा सब्यूकोजा कंटेन्स नर्व्स ब्लड वेसल्स एंड सपोर्ट द म्यूकोजा इसमें नर्व्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और ये म्यूकोजा को सपोर्ट करती है सो so, ये थी लेयर्स ऑफ स्टमक लास्ट है फंक्शन ऑफ स्टमक स्टमक के क्या क्या फंक्शंस हैं फर्स्ट फंक्शन है टेम्प्ररी स्टोरेज ऑफ फूड अलोइंग टाइम फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन टू एक्ट सो जब फूड्स ईसोफेगस से स्टमक में आता है तो टेम्प्ररी स्टोरेज मीन्स थोड़ी टाइम के लिए फूड स्टमक में रहता है क्यों रहता है क्योंकि वहाँ पर फूड की पार्शली डाइजेशन होती है पार्शली डाइजेशन का मतलब है कि फूड फुली डाइजेस्टेड नहीं होता लेकिन पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है और वहाँ पर उसको टाइम मिल जाता है जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टमक से रिलीज होता है सो तो ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है सो फर्स्ट फंक्शन इसका ये है कि टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है फूड की स्टमक में और ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड को पार्टली डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट है मैकेनिकल ब्रेक डाउन द थ्री स्मूद मसल लेयर अब जो मैंने पीछे थ्री स्मूद मसल लेयर पढ़ाई थी लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल वो क्या करती हैं इनेबल द स्टमक टू एक्ट एज अ चर्न वो मसल फाइबर्स क्या करते हैं कि फूड को चर्न करते हैं चर्निंग का मतलब है फूड को मतलब एक तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन करना एक तरह से ग्राइंडिंग कह सकते हैं कि फूड को ग्राइंड करना सो so, वो फूड को चर्न करने में हेल्प करती हैं जो थ्री स्मूथ मसल लेयर हैं सो इसको कहते हैं ब्रेक ब्रेकडाउन देन है गैस्ट्रिक जूस इज एडिड एंड द कॉन्टेंट्स आर लिक्विफाइड टू काइम देन क्या होता है कि उसमें गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस फूड में आ, मिक्स होकर फूड को काइम बना देता है लिक्विफाई बोल मतलब कि उसमें लिक्विड ऐड हो जाता है फूड में और उस लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ फूड को बोलते हैं काइम अब काइम जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो आगे रेडी है डिओडेनम में जाने के लिए नेक्स्ट है लिमिटेड एब्जॉर्प्शन वाटर अल्कोहल एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि स्टमक uh, में लिमिटेड एब्जॉर्प्शन मतलब फुली एब्जॉर्प्शन तो नहीं होती थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की अल्कोहल की एंड सम लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का मतलब है जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स हैं कुछ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स की वहाँ पर एबजॉर्प्शन होती है नेक्स्ट फंक्शन है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स प्रोवाइडेड बाई एच सी एल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स को कैसे क्योंकि एच का पीएच क्या है बहुत कम है क्योंकि ये एसिड है सो वन पॉइंट टू अराउंड पी होता है स्टमक में मेंटेन बिकॉज ऑफ एच सो इट्स वेरी एसिडिक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होने के कारण जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाते हैं बैक्टीरिया जो है किल हो जाते हैं सो so, एक ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है स्टमक नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन आयरन को प्रिपेयर करता है स्टमक फॉर एबजॉर्प्शन कैसे करता है क्योंकि स्टमक में इतना ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है सो so आयरन में जो आयरन सॉल्ट होते हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं इसलिए आयरन की एब्जॉर्प्शन हो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक uh, आयरन को प्रिपेयर करता है वैसे जो मेन एबजॉर्प्शन है आयरन की वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ इंट्रेंसिंग फैक्टर नीडेड फॉर एबजॉर््शन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व इन द टर्मिनल इलियम जो इंट्रेंसिंग फैक्टर की प्रोडक्शन और सिक्रीशन करता है स्टमक इंट्रेंसिंग फैक्टर क्या है इंट्रिंसिंग फैक्टर एक प्रोटीन है जो कि विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्पन के लिए नेसेसरी है मतलब कि ज़रूरी है और विटामिन बी ट्वेल्व की सिक्रीशन जो एबजॉर्प्शन है वो भी टर्मिनल इलियम में होती है टर्मिनल इलियम इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का नेक्स्ट फंक्शन सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन गैस्ट्रीन गैस्ट्रीन एक हॉर्मोन है उसकी सिक्रीशन भी स्टमक से होती है जो गैस्ट्रीन है वो एच को भी स्टिमुलेट करता है रिलीज होने के लिए ऑल्सो पैप्सिन को भी स्टिमुलेट करता है पैप्सिन हमने पहले ही पढ़ा जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है लास्ट है रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स इन टू द डिओडिनम स्टमक में स्टमक में एक तो स्विंचर प्रेजेंट होता है दैट इज़ पाइलोरिक स्विंचर uh, और जब फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम जब काइम बन जाता है मतलब फूड इन द फॉर्म ऑफ काइम जब रेडी हो जाता है सो दैट इज़ पार्टली डाइजेस्टिड फूड है जो वो भी आगे पास uh, होता है विद द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्विंचर पाइलोरिक स्विंचर की वजह से जो पार्टी डाइजेस्टिड फूड काइम है वो आगे डिओडिनम में चला जाता है सो so, इस तरह से पैसेज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट को भी रेगुलेट करता है स्टमक कि वो आगे कैसे पास होंगे सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टमक आई होप ये आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू